गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आप लोगों को पेंसिल को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। ओके, जनरली होता क्या है कि हम स्टार्टिंग बच्चों को किसी भी वैक्स या फिर क्रियॉन्स कलर से जो है कराते हैं ताकि बच्चे कलरिंग के थ्रू पेंसिल पकड़ना सीखें। हम यहाँ पर आपको पेंसिल पकड़ना, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे होल्ड किया जाता है वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ताकि बच्चे एक प्रॉपर अच्छे से अल्फ़ाबेट्स हमें कैसे सीखना होता है वो सीख सकें। स्टार्ट और एंड हमें बच्चों को जो सिखाना है वो हम कैसे सिखा सकते हैं, जिसके लिए हमने कुछ वर्कशीट्स तैयार की है। स्पेशली आप सभी मॉम से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इस तरह की कुछ वर्कशीट्स तैयार करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने यहाँ पर इस तरीके से कुछ लाइंस ड्रॉ की है, सी। इसके लिए हमने कुछ हाइलाइटेड पेन का यूज़ किया है। आपके पास स्केच या कुछ हाइलाइटर हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे बच्चे ने यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है लाइन, उसके बीच में किस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन लाइंस को और बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, आप चाहें तो इन पैटर्न्स को और भी इंटरेस्टिंग वे में बना सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक और शीट रेडी की है इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स कट करके यहाँ पर लगाए हैं। आप किसी भी एंड या फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर इस तरीके के पिक्चर्स लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एंड पॉइंट पर पिक्चर लगाए हैं, जिससे बच्चा एंड और स्टार्टिंग दोनों कॉन्सेप्ट सीख सके। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से हमारे बच्चा स्टार्ट कर रहा है लाइन को ट्रेस करने के लिए, और ये हमारा एंड पॉइंट है, तो यहाँ तक हमारे बच्चे ने लाइन को ट्रेस किया। इसी तरीके से आपको भी अपने बच्चों को इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ करने हैं और उन्हें लाइन को ट्रेस करना सिखाना है। नाउ हमने अब यहाँ पर कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं। इन सर्कल्स में भी आप लोगों को कलर कराना है, लेकिन जो कलर करना है वो पेंसिल कलर जो आते हैं उसका यूज़ करना है। लाइक दिस, इस तरीके से कुछ पेंसिल्स कलर हमारे पास हैं, उसका यूज़ करें ताकि बच्चे प्रॉपर एक पेंसिल होल्डिंग करना सीख सकें। जहाँ पर ये मेरे बच्चे ने इस तरीके से पेंसिल को यूज़ करके यहाँ पर कलर किया है, लाइक दिस। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप चाहे इन सर्कल्स को और बड़ा कर सकते हैं, ताकि बच्चा इस परफेक्ट इसी सर्कल के अंदर ही कलर कर सके। इस तरीके से, ओके, देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, और इसके साथ ही बच्चे को परफेक्ट पेंसिल पकड़ना और उन्हें एक सर्कल के अंदर ही कि हाँ मुझे इसी सर्कल के अंदर ही कलर करना है, ये बच्चा बहुत ही इजी वे में सीख सकता है। नाउ नेक्स्ट मनीष, यहाँ पर हमने कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर हमने दो तरीके के पैटर्न ड्रॉ किए हैं। इस तरीके से आपको भी सर्कल बनाना है सेम टू सेम कलर के। आप यहाँ चाहें तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकती हैं ऐसे, या अगर नहीं भी ड्रॉ करना चाहती हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट कलर इज ग्रीन, आमने सामने हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया है, जिससे बच्चे को कलर का कॉन्सेप्ट भी होगा कि इस ग्रीन कलर से इस ग्रीन कलर तक हमें मैच करना है। ओके, okay?
नाउ ड्रॉ लाइन ब्लू कलर विद ब्लू पिंक. नेक्स्ट वन इज यहाँ पर हमने कुछ जो भी सर्कल ड्रॉ किए हैं वो थोड़ा सा जिगजैग टाइप में ड्रॉ किया है. जैसे दिस इज ब्लू कलर. हमने यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन सीखने के लिए बच्चों को कि परफेक्ट बच्चे स्लैंटिंग लाइन पेंसिल के थ्रू कैसे सीख सकते हैं, हमने यहाँ पर कलर ये लाइक ग्रीन कलर स्टार्ट एंड एंड. बच्चे को स्टार्ट और एंड का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर थोड़ा समझ में आएगा. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज हमने यहाँ पर अब जो कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं वो थोड़ा पतले बनाए हैं, इसलिए ताकि बच्चे सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर ही पेंसिल होल्ड करके और प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर सके. दिस इज स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज स्लीपिंग लाइन. नाउ अब ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से कुछ डॉट्स बनाए हैं. ये डॉट्स आपको इस तरीके से अपने बच्चों को बनवाने हैं लाइक ऐसे दिस वन, ताकि बच्चे एक डॉट को दूसरे डॉट से मैच करते हुए इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सके. अब आपको नेक्स्ट हमने जो पैटर्न यहाँ पर बताया है वो इस तरीके से है. ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन. नाउ ड्रॉ स्लीपिंग लाइन. दिस वन ड्रॉ स्लीपिंग लाइन. इस तरीके से अब हमने यहां पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं लाइक ए बी एंड सी. हम अब बच्चे को इस इन अल्फाबेट्स के अंदर ट्रेस करना सिखाएंगे लाइक दिस ऐसे, ताकि बच्चा अगर हम कोई भी अल्फाबेट सिखा रहे हैं तो इस तरीके से वो सीख सके लाइक दिस. यहाँ पर जो भी हमने वर्कशीट जो है बनाई है इसी तरीके से आप सभी में स्पेशली मॉम से रिक्वेस्ट है कि एक वर्कशीट बना लें, और अगर आपके पास प्लेन वाइट शीट्स नहीं है तो आप ड्राइंग की कॉपी का भी यूज़ कर सकती हैं और इस तरीके से कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके उसमें बच्चे से स्लैंटिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग जिग जैग जो भी लाइन हमने यहाँ पर सिखाई है वो आप ड्रॉ करवा सकती हैं इस तरीके से लाइक दिस. ओके थैंक यू सो मच.